घर की सबसे बड़ी समस्या होती है कि हमारा बजट कंट्रोल में कैसे रहे। जो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं उनको अपने बजट से कट करना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातें हैं उनका ध्यान अगर हम रखेंगे तो हम अपने मंथली बजट में से काफ़ी ज़्यादा सेविंग कर सकेंगे। कुछ बहुत ही आसान उपाय आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आई होप आपको अच्छे लगेंगे। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कुछ छोटी लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट बातें फॉलो करके हम सेविंग्स कर सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ये एक सिंपल सी प्लास्टिक की बॉटल हेल्प करेगी आपको बहुत सारे पैसे बचाने में। ऐसी कोई भी प्लास्टिक की बॉटल को भरकर आप फ्रीज़र में रख दीजिए और उसको पूरी तरह से फ्रीज़ होने दीजिए। जब बॉटल का पानी पूरा आइस में कन्वर्ट हो जाएगा तब आप उस बॉटल को फ्रीज़र से निकालकर अपने फ्रिज में कहीं भी रख दीजिए। ऐसा करने से होगा ये कि आइस्ड बॉटल से फ्रिज का टेम्परेचर हमेशा कम रहेगा और फ्रिज कम इलेक्ट्रिसिटी खींचेगा उसको ठंडा रखने के लिए। फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर बार बार फ्रिज ओपन करने से डिस्टर्ब होता रहता है और वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। फ्रोज़न बॉटल रखने से फ्रिज के टेम्परेचर ठंडा होने के लिए कम समय लगेगा और इस तरह से आप इलेक्ट्रिसिटी बचा सकते हैं। ऐसी 2 से 3 बॉटल्स आप फ्रीज़र में रख सकते हैं और टर्न बाय टर्न करके आप उनको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। फ्रिज से ही रिलेटेड एक और बात का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप और भी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बचा सकेंगे। आप जब भी फ्रिज की क्लीनिंग करते हैं तब आप फ्रिज को बंद करके क्लीनिंग करेंगे तो आप अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल में बहुत कटौती कर सकते हैं और अपने मंथली बजट को भी आप आउट ऑफ बजट जाने से बचा सकते हैं। हम कई बार फ्रिज खोलते रहते हैं सामान निकालने के लिए और रखने के लिए, विच इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। लेकिन आप जब सामान निकालें तो फ्रिज के डोर को खुला मत छोड़ें। बहुत देर तक फ्रिज ओपन रहने से उसकी पूरी ठंडक बाहर निकल जाती है और वापस से उसको ठंडा होने में इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम होती है। सामान निकाल कर आप उसी समय फ्रिज को बंद कर देंगे तो फ्रिज का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ने का सबसे बड़ा कल्प्रिट है एयर कंडीशन। घर में यूज़ होने वाले सभी होम अप्लायंसेस में एयर कंडीशन एक ऐसा अप्लायंसेस है जिससे आपका इलेक्ट्रिक बिल स्पीड से बढ़ता है। लेकिन इतनी गर्मी में मैं आपको एसी नहीं यूज़ करने की एडवाइस नहीं दूंगी, बट आप अपने एसी को सही टेम्परेचर में रखेंगे तो आपके इलेक्ट्रिक बिल में डेफिनेटली काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। आप दिन में या रात में जब भी एसी ऑन करते हैं तो एसी को जो टेम्परेचर है उसके टेम्परेचर को आप 25 या 26 पे रखेंगे तो ये कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा और आप कुछ सेविंग कर पाएंगे। टेम्परेचर कंट्रोल करने के साथ साथ मेक श्योर कि आप अपने विंडोज़ और डोर्स भी बंद रखें। ऐसा करने से रूम जल्दी ठंडा होता है। अपनी कुकिंग और बेकिंग को और हेल्दी बनाइए ऑडी यूनी रैप एंड ऑडी इको बेक यूज़ करके। ऑडी इको बेक के ये प्रीकट शीट्स और ऑडी यूनी रैप के ये रोल्स आपको एक ही पैक में अलग अलग डायमेंशंस में मिल जाएंगे। ये रोल्स एंड शीट्स वाटरप्रूफ हैं और ऑयल प्रूफ हैं और आप इनको मल्टीपल टाइम्स रीयूज़ कर सकते हैं। इन शीट्स को एक बार यूज़ करने के बाद आप वाइप करके 5 से 6 बार रीयूज़ कर सकते हैं। इन शीट्स को आप स्टीमर, एयर फ्रायर और माइक्रोवेव में भी यूज़ कर सकते हैं और पैन में भी आप डायरेक्टली इनको रख के गैस पे यूज़ कर सकते हैं। ये शीट्स नॉनस्टिक है तो यूज़ करने के पहले आपको ऑयल या घी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें खाना बिल्कुल भी चिपकता नहीं। इनको आप माइक्रोवेव में रीहीट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और आप बेकिंग के लिए भी इन शीट्स को यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर एल्यूमिनियम फॉइल और आप इनको ऑर्डर कर सकते हैं अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से। थोड़ा सा गैस बचाने के लिए कई लोग खाना बनाते समय बर्तन गैस पर रख के फिर गैस ऑन करते हैं। ऐसा आप कभी मत कीजिए, ये बहुत ही डेंजरस है क्योंकि इससे फ्लेम फैल जाती है। खाना बनाते समय आप पहले ही जो भी इंग्रेडिएंट्स और बर्तन, मसाले, तेल जो भी आपको लगने वाला है वो सब कुछ आप पहले से रेडी करके गैस के पास लाकर रख दें और उसके बाद आप गैस ऑन करके फिर बर्तन गैस पर रखें। जितना टाइम हम यहाँ वहाँ सामान लाने में लगाते हैं उतने टाइम में बहुत सारा गैस वेस्ट हो जाता है, इसीलिए पहले से सभी चीज़ें लाकर रखेंगे तो आपको कुकिंग में भी आसानी होगी और आपका गैस भी लंबे समय तक चलेगा।
जितना पॉसिबल हो सके खाने को ढककर पकाएं। खाना स्टीम में जल्दी पकता है और कंपैरेटिवली इसको ओपन करके पकाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। इसके साथ साथ आप ट्राई कीजिए कि आप डेली यूज़ होने वाली चीज़ें जैसे तेल, घी, राई, जीरा, मसाले, नमक सभी गैस के पास काउंटर पे स्टोर करके रखें और ट्राई कीजिए कि जितना हो सके आप अपना जितना भी खाना है वो प्रेशर कुकर में बनाएं। उससे आपका खाना जल्दी बनेगा और डिफरेंट कंटेनर्स यूज़ करके आप दाल और राइस साथ में भी पका सकते हैं। इससे भी आप अपना गैस काफ़ी बचा सकते हैं। हमारे घर में ऐसे बहुत सारे गैजेट्स या अप्लायंसेस होते हैं जिनको हम रेगुलर यूज़ नहीं करते, फिर भी उनमें बैटरीज लगी हुई रहती है। उससे हमारी बैटरीज वेस्ट हो जाती है और रखे रखे वो ख़राब भी हो जाती है। अगर आप कुछ ऐसी चीज़ें डेली यूज़ नहीं करते हैं तो उनकी बैटरीज निकाल कर रख दें या फिर उनको उल्टा लगा कर रखें, और जब भी यूज़ करना हो आप उसी टाइम उनको लगा कर यूज़ कर सकते हैं। इस तरह की छोटी छोटी बातों का ध्यान रख कर भी आप एंड ऑफ द मंथ कि आपने काफ़ी सारी सेविंग की है। इंडियन फूड में हम मोस्टली बहुत सारी चीज़ें डीप फ्राई करके खाते हैं और जो तेल होता है वो थोड़ा सा गंदा हो जाता है। इस तेल को फेंकने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इस तेल को भी वापस से यूज़ कर सकते हैं। बस आपको एक छन्नी में एक टिशू पेपर लगाना है और फिर इस तेल को उस छन्नी में रख के आप टिशू पेपर की हेल्प से छान लीजिए। ऑयल बिल्कुल क्लीन हो जाएगा जो कि सेफ़ है रीयूज़ करने के लिए। अगर आप सिर्फ छन्नी से इस तेल को छानेंगे तो जो बारीक चीज़ें रहती है वो पूरी तरह से क्लीन नहीं होती। पेपर नैपकिन से ऑयल बिल्कुल पहले की तरह क्लीन हो जाएगा और ये सेफ रहेगा आपके लिए रीयूज़ करने के लिए। ये सभी बातें सुनने में बहुत छोटी और अनइम्पॉर्टेंट लगती है, लेकिन एक्चुअली में अगर इनको फॉलो करेंगे तो आपको मंथली एक्सपेंसेस में बहुत फ़र्क दिखेगा। आई होप ये सभी टिप्स आपके लिए यूज़फुल रहेंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड कीप वॉचिंग।